पकड़िए, बैग में डाल दूँ। भाइयों और बहनों, आज हम बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े अदब के साथ चौधरी देवीलाल जी की 108 जन्म शताब्दी मना रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी एक इंसान नहीं थे बल्कि एक इंस्टीट्यूशन थे। उनकी जिंदगी पर किताबें लिखी जा सकती हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो जज्बा था वो कुर्बानी का जज्बा था। जिस वक्त भी मुल्क को जरूरत पड़ी है चौधरी देवीलाल जी ने आगे आकर कुर्बानी दी है। सबसे पहले हमारी जो लड़ाई हुई बीच में वो देश की आजादी की लड़ाई थी। चौधरी देवीलाल जी ने उसमें बहुत बड़ा योगदान डाला। लंबा समय जेलों में रहे, मुल्तान जैसी जेलों में रहे और जब तक देश आजाद नहीं हो गया वो संघर्ष करते रहे देश की खातिर। दूसरी कुर्बानी उन्होंने ये की कि जब हमारे देश पर एमरजेंसी लगा दी थी इंदिरा गांधी ने, सब देश एक जेल खाना बना दिया था, आपके सारे हक हकूक खत्म कर दिए थे, ना कोई बोल सकता था ना कोई लिख सकता था। उस मौका पर चौधरी देवीलाल जी ने 19 महीने जितना देर एमरजेंसी रही वो जेल में गए। इसके बाद भी जब कभी देश को जरूरत पड़ी है तो चौधरी देवीलाल जी आगे बढ़कर उस पर योगदान डालते रहे। चौधरी देवीलाल जी, उनका किसान गांव किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले देहातों में काम करना एक मेरे इनके प्रति बहुत श्रद्धा थी और सारी जिंदगी इनका एक ही निशाना था कि किसानों को गांव को और मजदूरों को तरक्की दिलाई जाए, खुशहाली दी जाए। गांव में मुझे याद है कि कभी बगैर बदलाए हुए किसी गांव में चले जाते थे और वहां जाकर गांव की जो चौपाल है उसमें बैठकर लोगों के साथ बातचीत करते थे और उनकी तकलीफ जो थी वो सुनते थे। कई दफा बतौर डेप्टी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर अगर किसी गांव में गए हैं तो कह देते कि मैं आज रात गांव में ही रहूंगा और बाहर के देशों में भी गए तो उधर की जो सरकारें थी उनको मैंने लिखा था कि मैं गांव में रहना चाहता था।
बाद एक गांव में गए, वहीं रहने का प्रोग्राम बना लिया। जब राम लोग डीसी और एसपी कहने लगे, चौधरी साहब हम सुबह आ जाएंगे, हमें छुट्टी दे दो। कहने लगे कि आप भी यहां रहें, जब तक आप गांव में नहीं रहेंगे तब तक यहां के लोगों की कोई तकलीफ ना आप समझ सकेंगे ना हल कर सकेंगे। तो उनको वहां रहने के लिए मजबूर क्यों किया उन्होंने। देखिए चौधरी देवीलाल जी के साथ सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गहरा जो संबंध था वो मेरे साथ और हमारे परिवार के साथ उनका संबंध था। और हम इकट्ठे एक दिन हरियाणा में, एक दिन पंजाब में काम करते रहे। मैं एक बात कहे बिना रह नहीं सकता, अब्दुल्ला जी यहां बैठे हैं, मेरी अकेली लड़की है, उसकी शादी थी, तो मैं तो जेल में था, कांग्रेस वाले मेरे जेल में घर गए। तो जो रस्म थी वो शेख अब्दुल्ला जी, फरूख अब्दुल्ला जी मेरी जगह पर उन्होंने की। और ये भी कहा कि जब मेरी बहन की शादी थी तो मेरे पिताजी वो भी जेल में। ये पुराने जो लीडर है, ये पुराने घराने हैं, इनमें ये सिर्फ होती है एक ये काम करने की। देखिए मैंने उनका एक बहुत खुद हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर बनाया है और उसकी नकाबपोशी की रस्म उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।